कितने बड़े होते हैं देवबंदी? देवबंदी ऐसे नहीं बड़े होते हैं। टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो छोटा पजामा पहनते हैं। क्या पहने देवबंदी? कपड़ा। कपड़ा पहनते हैं? अच्छे होते हैं खराब? बिल्कुल अच्छे होते हैं देवबंदी। अच्छे होते हैं अब बरेली एकदम खराब होते हैं। खराब होते हैं कहा है? खराब होते हैं देखो बरेली बिल्कुल। हाँ सारे धोर पीटे ग्राम धौरहरा छत्तरपुर और शाहपुर के बीच में बसा एक गांव। इस गांव की कुल आबादी लगभग 2500 है। सुन्नी मुसलमानों के सभी मसलक के लोग इस गांव में रहते हैं और उनके मसलकी विचारों की भिन्नता का अद्भुत नजारा हमें देखने को मिलता है। बरेली, देवबंदी और अहले हदीस मसलक के मानने वालों की विचारों में जो टकराव है वो नई और अनोखी सोच को जन्म देता है और तर्क वितर्क का एक अद्भुत नमूना हमें देखने को मिलता है। हम इसको मसलकी टकराव नहीं बल्कि नजरियाती नोकझोंक का नाम ही दे सकते हैं। आइए देखते हैं इस नोकझोंक का एक अनोखा संग्रह। इमाम अहमद रजा और अशरफ अली थानवी ये उस्ताद के दो चेले थे, तो दोनों फारिग होने के बाद एक मदरसा कायम किया, तो उसमें ये हुआ कि बरेली के इमाम जो अहमद रजा के नज़र में इनकी कुछ लिखावट खटक गई, दिल में निगाह में किए गलत लिख दिए, इसलिए वो अलग हो गए। अलग होकर के बरेली में एक स्कूल कायम कर लिया, तब वहीं से मुखालफत हो गई ना। बरेली में रियाकार लोग ज़्यादा हैं, इसमें दिखावा कम ज़्यादा होता है। बरेली मसलक ये तो मतलब देवबंदी से कुछ अच्छा है ही है। देवबंदी वो ठीक है साहब, देवबंदी भाई ये तो गुस्ताखे रसूल है। हदीस तो ये एकदम ही गलत है, जो है ये देवबंदी से भी गलत है। अरे हदीस वो तो ठीक है, लेकिन जो है ना ये थोड़ा सा ये ठीक है, ये अपने काम से काम रखते हैं। अहले हदीस तो उसको कहते हैं जो कुरान हदीस पे चलता है, उनके मुताबिक चलता है। अरे नहीं यार ये सब बात नहीं है, अरे ये अहले हदीस है वो अहले हदीस है, तो दोनों दोस्त रहेंगे और एक दोस्त एक दूसरे दोस्त की मदद करता रहेगा। ये पुरानी बात है, ये हर जगह में ये रहता है कि हर दोस्त अपने दोस्त के तरीके पे होता है। देखा कि ये अहले हदीस मेरे तरीके पर, मैं खुद अहले हदीस हूँ तो क्यों नहीं इनकी मदद करूँ, इनको क्यों न पैसा दूँ, अपना मसला क्यों न बढ़ाऊँ, अपना इदारा क्यों न बढ़ाऊँ। घर पर बस यही बात है और कुछ नहीं, ये सब दुनियादार है असल। देवबंदी वाले भी तो कहते हैं हम लोग कुरान हदीस चलते हैं। एक आदमी जो है जुम्मा में अशरफिया में नमाज पढ़ने गया है, उसके बाद जो खड़ा हुआ अगली सब में, उसके आजू बाजू वाले जो है उसको पीछे कर दिए। जब पीछे हो गया तो वहाँ पर जब पैर चौड़ा करके खड़ा हुआ, उसके साइड वाले फिर उसको पीछे कर दिए। फिर तीसरी लाइन से जो फिर खड़ा हुआ पैर चौड़ा करके, तो फिर उसको और पीछे कर दिए। पीछे करते करते वो दरवाजे के पास आ गया, फिर दरवाजे के पास जो चौड़ा करके पैर खड़ा हुआ, तो वहां से जो है निकाल के बाहर कर दिए। अरे अभी तो जमाने से बरेली झगड़ा कर रहे हैं। इमाम हंबल, इमाम मालिकी, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, चार जो वो ज्यादा इतराज करते हैं, बड़े बड़े जो आदमी हैं, और हर लोग कहे कि जो हमारी बात कुरान और हदीस से ज्यादा टकराए उसको दीवार पर मारो। जो कुरान और हदीस से ना टकराए, अरे हर मुहद्दिसिन ने ये लिखा है, वो तो ये कहते नहीं, ये अपनी अपनी रोजिया रोटियाँ खाती, जो ना पेटो भर खाती, भोग बुरा कहें तो बुरी सुनी बुरी बुरी बुरा धंधा बना दिया, सब अपना धंधा बनाए। दरबार में दिल थाम के वो आता है,
को तू चाहे दे नबी तू बुलाता है, तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिछड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। पर क्या रहेंगे जब तक खुद हर मामलात में सही नहीं रहेंगे तो उनका एको काम करना सही नहीं है, भले बज़ाहिर देखने में अच्छा लगता है। तो क्या हमारे उलमा जो हमारे जो रहबर हैं हमको राह भी दिखाने वाले हैं अच्छी, और वही हमको गुमराह भी करने वाले हैं। वहाँ सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस यहाँ वाले हम फरमा कुल करते हैं। कुल सारा बवाल यही में है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीन मुल्क में खाली यही है बवाल, क्योंकि पहले एक ही था ना हिंदुस्तान का नाम से था, उसके बाद जो है पाकिस्तान बेटा बन के अलग हो गया, फिर बांग्लादेश जो पोता बन के अलग हो गया। माई बल के ना क्यों पैदा नहीं, माई से बात यही है ना, यही चला हुआ है ना, यही बहू आदम जमाते तबलीगी एक है तो कहते हैं हम भाई हम तबलीग करते हैं, तो तबलीग आप कहाँ करते हैं, मुसलमानों के गांव में आकर करते हैं, मस्जिद टू मस्जिद जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने तो ऐसा नहीं किया था कि मस्जिद मस्जिद जाते थे, वो तो काफिरों में जाकर तबलीग करते थे और वहाँ पर वो चोटें भी खाते थे, हैं बड़ी तकलीफ़ें उनको दी जाती थी, ईज़ाएँ पहुँचाई जाती थी। तो तबलीग करना आसान बात नहीं है, और एक बात ये भी है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तबलीग की है, वो अल्लाह के महबूब हैं, और तुम लोग कौन से अल्लाह के महबूब हो जो कहते हो हम तबलीग कर रहे हैं, तुम तो अल्लाह के महबूब हो नहीं, तो तुम्हारी तबलीग मानी नहीं जाएगी, झूठी है तुम्हारी तबीयत। यहाँ पे जो शायद है कि मैं जो है ना ये बरेली है, मुझे बरेली कई बार देवबंदी पे चले हदीस पे ना पढ़ा तो गलत है ना कहते हैं का सही है, बेवकूफ है ना, दोनों गलत है। मसला ये चीज क्या है, जे पर पूरा गांव सहमत हो, रेहाना पूरा गांव सहमत है कि रेहाना पढ़ाएगा, सबको पढ़ाना है, अब उमें मुझे पेज ना लगाओ के मैं रहना पीछे ना पढ़ाऊँ तो मैं सबसे बुरे आदमी हूँ, पूरा गाँव थोड़ी बेवकूफ है, कोई जो इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। हम ना कभी कब से सबके पीछे पड़े ना, काहे ना पड़ते, काहे नहीं पड़ेगा भाई, क्यों नहीं सबके पीछे पड़ा ना मारा आले हदीस का वह सबके पीछे जुमा पढ़ता हज की नमाज पढ़ेगा, ये हाफिज जी जब नमाज पढ़ाते हैं तो अपने कैरू हाफिज जी उनके पीछे नहीं पढ़ते, तुझे पढ़ाने से पढ़ाओगा जी कैरू, नहीं नहीं आप पढ़ेंगे मुस्लिम नहीं पढ़ा रहा, सब बवाल कर रहे हैं, बरेलिया अगर नहीं जाते ना मुंह ना पढ़ते हरम में, कहो का कहता है बरेलिया जब जाते हैं हरम में नमाज़ें नहीं पढ़ते इमाम के पीछे, तो हाजा कैसे उधर है इनका पता नहीं, आज कैसे तब होता भाजो ना, बरेली के पीछे नमाज पढ़ने की वजह ये है उनका अकीदा इस तरह का कि अल्लाह हर जगह अल्लाह पे नहीं, और कुरान में छः जगहों पे आया कि अल्लाह पे, और दूसरा अकीदा इनका ये है कि अल्लाह के यहाँ जाने के लिए वसीला की ज़रूरत है, मतलब कि
कब्रों का, बुजुर्गों का, मुर्दों का वसीला लगाना जरूरी है, इस वजह से उनका अकीदा गलत मुर्द है। अल्लाह सुनने की बात जानता है। बहुत से उलमा इकराम हैं, बहुत से ऐसे हैं कि एक आदमी आता है, मौजू उनको दिया जाता जलसे में कि तुमको अहले हदीस के खिलाफ बोलना है। एक आलिम है, हमेशा ज़िंदगी भर वो इस तरह की बातें नहीं करता, वो इस्लाही बयान करेगा अल्लाह रसूल, तो वो कितनों को उसे बोलवाइए उना बोले। दरिया दरिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो, प्यारे आका के दीवान हाथ में डाले हाँ चलो, हुब्बे नबी के घर दिल में तुम जाके दीप जलाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। खुद को मिटा देंगे हम जान मिटा देंगे, खुद को मिटा देंगे और 50 रुपए मोहम्मद ताहिल की तरफ से मिले हैं। अल्लाह तबारक ताला आइंदा 2-50 देने की इनके कुव्वत अता फरमाए। मामूस मेजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो तुम्हारा बचा दो। कव्वाली भी गलती है, कव्वाली भी इस्लाम शरीयत से वो चीज नहीं है। कव्वाली जो होती है इसके माने तो ये होते हैं भाई कि कलाम कहना। अब एक दीनी कव्वाली होती है, एक दुनियावी कव्वाली होती है। तो दुनियावी कव्वाली तो हराम है और दीनी कव्वाली ये हराम नहीं है। तो फिर का एक सवाल हो जाता है, अरे भाई उसमें बाजे बजते हैं, हारमोनियम ढोलक सितार सब रहता, वो हराम है ना? तो इससे क्या मतलब? दुनिया में हराम हलाल दोनों चीज़ें चल रही हैं कि नहीं? तुम्हारी नज़रों के आगे बिल्कुल चल रही है, लेकिन तुम बचते जाओ हराम से हलाल में आ जाओ, तो तुम महफिल समा में या कव्वाली हो रही है बुजुर्गों के यहाँ, तो उनके यहाँ कव्वाली जा कर के आप कलाम सुनिए कि न कि हारमोनियम सुनिए, न कि सितारा सुनिए। उसमें अगर आप मस्त हो गए तो बहक गए, और कव्वाली सुनने में अगर आप मस्त हो गए तो संभल गए, अच्छे हैं। तो इसलिए कव्वाली ये महफिल समा जो कव्वाली होती है ये अच्छी चीज़ है। इसको खराब आदमी ही कहेगा कि नहीं सुनना चाहिए, और अच्छा आदमी ये कहेगा कि दुनियावी कव्वाली नहीं सुनना चाहिए। मुहर्रम मनाना तो ठीक नहीं है, ये ढोल पीटते हैं बहुत ही खराब काम। ताजिया मनाना इमाम अहमद रजा खान साहब ने मना फरमाया है, बल्कि ये कहा है कि ये हराम है। ताजिया बनाना हराम है, ढोलक बजाना हराम है, ताशा पीटना हराम है, मतलब कि ये ठीक नहीं है। इमाम हुसैन की यादगार इस तरह से मनाना दुरुस्त नहीं है। भाई अब इसके बारे में उलमा इकराम जो है हकीकत जाने, हम लोग आलिम तो है नहीं, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात जो उन्हें गाँव अनजान से इतने रहने वाले हैं, जहाँ से तालीम मिला है, मतलब इस चीज़ का नहीं मिला है। और मैं कहता हूँ कि चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो, वो कब्रस्तान है कि नहीं, और अल्लाह के रसूल ने कब्रस्तान की तरफ इशारा किया है कि नहीं, कि कब्रों की तेल कब्र में ही इससे ली जाएगी, तमाम कब्रें ले ली जाएंगी। आप जाइए, जाना हराम नहीं है, है ना? जाना हराम हराम है ही नहीं है। रहा ये कि जा करके वहाँ पर आपने चद्दर चढ़ा दिया तो कह देंगे कि नाजायज हो गया। अरे भाई, चद्दर चढ़ाने के बजाय हम जा करके मट्टी रख दे तो जायज हो जाएगा। मज़ारों पे जा सकते हैं, खासकर औरतों के तो मना ही है। ये अल्लाह के दोस्तों की है, तो जो अल्लाह का दोस्त होगा वो हकीकत समझ लेगा, और जो दोस्त नहीं होगा कहेगा जाके इनसे मांगते हैं, इनका इनके खुदा है ये, ऐसी बात नहीं है। मांगने वाला वही क्यों मांगता है? अरे वो तो हर जगह मांगता है, वो तो गली गली में मांगता है, गांव गांव में मांगता है, घर घर में मांगता है, वो तो सबसे मांगा करता है। खाली मजार ही पर क्यों निशाना आप लगाते हैं? वहाँ जाना शिर्क है। दया नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होकर वासा। दया नबी मेरे दिल को
रहीम या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहून लेटी हुई या सब्ज परी यहाँ पे सभी लड़के पढ़ते हैं। हाँ सभी उसके पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा मुस्लिम बच्चे सभी उसके वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है उनको, तालीम दी जाती है उनको बच्चों को, और उसके एजुकेशन के वहाँ पर किया जाता है उनके। मतलब कोई खास मसलक वसलक ऐसे पढ़े नहीं, नहीं किसी 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 धर्म से नहीं है, मतलब किया जाता है बच्चों को अच्छी से अच्छी हमें पढ़ाई में कोशिश करते हैं। जो भी बताया गया है एक नमाज के क्या तरीके हैं, जो हमारे जो हम इस्लाम को जो फॉलो करते हैं, जो हमारा वो है वो किसी देखते हैं नहीं नहीं कोई किसी मतलब ये बताते हैं। हमारा जो मेन मकसद ये है कि हम बच्चों को जो हमारा इस्लाम की जो वो है वो पूरा हो। जैसे एक वो होता है एक आम धारणाएँ बनी हुई भारत के अंदर दुनिया के अंदर कि मदरसे जो होते हैं वो किसी खास धार्मिक तबके के अधीन होते हैं, उनके ही अंडर में चलते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक वो है र्यूमर है समझ लीजिए, हम अपने बच्चों को सोचते हैं ज़्यादा करते हैं कि मतलब हमारे बच्चे वो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाहें से ये सब वो है मतलब लोगों को मतलब लाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। कल और परसों अरे मौलवी मौलाना जितने हैं ना ख्याल का मतलब नहीं है, सुन्नी ख्याल कहो, बरेली ख्याल कहो, देवबंदी ख्याल कहो, उससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ ना कम को गुमराह करने में लगे, बस 10,000 दो 2,000 दो 5,000 दो नोट ले रहे हैं तो कम को गुमराह करते चले जा रहे हैं। जब वो जो सही राय देखा तो जहन्नम की आग उन्हीं से दहकाई जाएगी, मौलवी मौलाना हाफिज हैं जो सही राह नहीं देखा पाए, गुमराह किए, जिसके पास इल्म का गहवारा है यानी सही, कोई आदमी गलत कर उसको बताने में तू गलत कह रहा है, ऐसे है ये सही है, ये अपनी झोली भरने में लगे हैं बस, बाकी इनको कम से कुछ लेना देना नहीं। पहले तो नेता लोगों को भरोसा नहीं था, ये सिर्फ दुबा रहे हैं, लेकिन अब तो अपने मौलाना ही दुबाने लगे, अपने रहबर नेता की बात ही छोड़, नेता लोगों फिर का ना मतलब नेतागिरी करने से मतलब कि जो आलिम जो हमारे वही हमको ना दिखाने वाले हैं, लेकिन जो सही रही ना दिखा नहीं दिखा रहे हैं उन्हीं से जन्म भरी जाएगी। एक मौलाना बहुत बड़े आलिम थे लेकिन बहुत कंजूसड़े थे, कंजूस एक नंबर के थे। एक बार बैठे थे वैसे बात होते होते थे, एक आदमी कह दिया कि यार 5-20 सौ होता है, अब मौलाना बोलते नहीं झटके से 3-20 सौ होता है, वो हुजत होते होते रह गई तो खैर 700 रुपया लग गई बाजी, भाई जो साबित करेगा सही होगा वो जो गलत है उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। मौलाना आए अपने घर, अपनी बीवी से कहे कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्या क्या हुआ, कहे 100 रुपया की बाजी लग गई, कहते आप 100 रुपया लेके जाओ और एकदम मोहब्बत से दे दो, बस उस बात बहस करना नहीं, कहते क्या बात करती हो फालतू, अल्लाह ने जवाब दिया है ना, कहे हाँ उसे दिया है, कहते और जब बाहर मानूंगा तब मैं 100 रुपया दूंगा, मैं ज़िंदगी में हार नहीं मानूंगा 100 रुपया के लिए, कितना भी झूठ झूठ बोलना पड़े लेकिन 100 रुपया के लिए हार मानूंगा नहीं दूंगा।